पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। पंचायत राज चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा एवं पूर्व संसदीय सचिव व पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अजमेर जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने कहा कि जिले में कांग्रेस पार्टी रणछोड़ हो गई है। जिस दिन भाजपा ने टिकटों की घोषणा की उसी दिन कांग्रेस के खेमे में भगदड़ मच गई। कांग्रेस के नेताओं ने मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने आप को कांग्रेसी नेताओं की वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई का तमाशा पूरा प्रदेश जुलाई अगस्त माह से देख चुका है और इसका अंडरकरंट पंचायत स्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और भाजपा सभी पंचायत समितियों पर अपने प्रधान व जिला परिषद में एक बार फिर अपना जिला प्रमुख बनाने जा रही है। भूतड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा चुनाव लड़ने का कोई और जरिया नहीं बचा है, इसलिए जिले में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कांग्रेस द्वारा जमकर किया जा रहा है। भाजपा ने पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी वार्डों के बूथों पर कार्यकर्ताओं की ताकत व मेहनत के दम पर अपनी मजबूत टीम खड़ी कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस की हालत जिले में सभी जगह खराब हो चुकी है। राजस्थान के अंदर पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान के इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत के 2 साल के कालखंड के अंदर जो पंचायत राज जो लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि है, उस प्रथम सिद्धि पर जिस तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन के नाते जो प्रहार किया है, जो उनकी वित्तीय सहायता रोकी है, उससे आम जन ठगासा महसूस कर रहा है और विशेष रूप से घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे, बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों के ऋण को माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे, इन सब पर जिस तरीके से काम नहीं किया है और उनको जनता को ठगा है, आज जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और जनता करारा जवाब देने को इस पंचायत चुनाव में आतुर है। और जो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जो आम जन के जो रुझान सामने आया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ अजमेर जिले से हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर इस पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। अजमेर जिले के अंदर विशेष रूप से कोरोना कालखंड के अंदर जो राजस्थान सरकार ने आम जन को राहत देने की बजाय अपने कुप्रबंधन और वित्तीय कुप्रबंधन से चाहे वो किसान को हो, चाहे गरीब को हो, और चाहे कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर करके हो, चाहे किसानों के लोन को माफ नहीं कर करके हो, और दूसरी तरफ चाहे कृषि उपज मंडी पर टैक्स बढ़ा करके हो, हर तरीके से आम गरीब को मारा है। उसका नतीजा इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस का अजमेर जिले से तो सुपड़ा साफ है, या भारतीय जनता पार्टी विजय की पताका फहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अजमेर जिले के अंदर 1% भी गुटबाजी कहीं नजर नहीं आई। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि पूरा संगठन एकजुट होकर कर चुनाव लड़ रहा है। उसी का नतीजा है कि टिकट वितरण के बाद एक छोटी भी हलचल नहीं हुई, किसी ने भी ऐतराज नहीं किया और सब एकजुट होकर कर और अपने काम में लग गए। चाहे वो हर जगह हर वार्ड स्तर तक प्रभारी बने हुए हैं, पंचायत समिति तक प्रभारी बने हुए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हमारे सांसद महोदय है, सब के सब एकजुट होकर कर और इस कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं और कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको नीचे तक ले जाकर आम जन को जागृत कर रहे हैं। और उसका कारण है कि आम जन भी हमारे साथ में बहुत भारी संख्या में हमें साथ खड़ा होकर के जो सपोर्ट कर रहा है,
इससे हमारे सब लोग उत्साही है। के अंदर पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और पुष्कर विधानसभा के साथ कई जगह मैं जा भी रहा हूँ, तो बिजली के बिलों से पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। बिजली के बिल पहले 2 महीने से आते थे, अब 1 महीने से आ रहे हैं और वो भी बड़बड़ का आ रहे हैं, कभी सरचार्ज के नाम से, कभी अन्य शुल्कों के नाम से। दूसरा, कोरोना के कुप्रबंध से हमारे राजस्थान और अजमेर ज़िले की जनता त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इनको धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में पूर्ण रूप से नाकाम रही और राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभी पंचायती राज चुनाव में मतदान करेगी। और जैसा कि जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि सरकार ने जो जनता से वादे किए वो एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया।